हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निशा मधुरिमा रीडिफाइंड रेसिपीज चैनल। आज की हमारी रेसिपी है काजू करी। काजू करी बहुत टेस्टी होती है और बहुत हेल्दी भी होती है। अब आपको रेस्टोरेंट से काजू करी मंगवानी नहीं होगी, क्योंकि बहुत ही आसान तरीके से हम आपको सिखाएंगे काजू करी बनाना। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने लिया है आधा कप काजू, जो कि 100 ग्राम है। आप कम या ज़्यादा थोड़े ले सकते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया लिया है और मसालों में हमने एक चक्री फूल और दो हरी इलायची ली है। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, आधा छोटा चम्मच ज़ीरा लिया है, एक बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है, एक छोटा चम्मच नमक लिया है और हमने ये थोड़े से मगज बीज लिए हैं, दो बड़े चम्मच, और इसमें 5 से 6 लहसुन की कलियाँ ली है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 4 से 5 काजू लिए हैं। इसका हमने फाइन पेस्ट बना लिया है, ये पेस्ट हमने लिया है। और हमने लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज पीस लिए हैं, उसका प्यूरी बनाया है, 2 टोमेटो का प्यूरी, थोड़ा सा कसूरी मेथी 1 चम्मच, 5 से 6 बड़े चम्मच घी लिया है हमने, 5 से 6 चम्मच फ्रेश क्रीम लिया है, 1 छोटा चम्मच हमने धनिया पाउडर लिया है, आधा छोटा चम्मच हमने गरम मसाला लिया है और 1 से 1.5 कप हम पानी यूज़ करेंगे आवश्यकता अनुसार। तो चलिए इसे बनाते हैं। हमने एक पैन लिया है, इसमें अभी हमें सबसे पहले 1 चम्मच घी डालना है। घी डालने के बाद इसमें अभी हम काजू ऐड करेंगे। इसे हमें 1 मिनट के लिए रोस्ट करना है। बस थोड़ा सा हल्का सा भुनना है हमें इसके, इसका थोड़ा सा कच्चापन दूर करना है। बहुत ज़्यादा हमें इसे नहीं भुनना है, बहुत डार्क कलर नहीं आना चाहिए इसका, नहीं तो फिर ये सब्ज़ी में कड़वे लगेंगे। अभी हमें इसे बस 1 मिनट भुनना है। हो गए अभी हमारे काजू, इसे हमने प्लेट में निकाल लिया है। अभी उसी पैन में हम 4 चम्मच घी डालेंगे। घी की जगह आप थोड़ा सा तेल भी यूज़ कर सकते हैं, आधा घी आधा तेल भी यूज़ कर सकते हैं। घी को थोड़ा सा गर्म होने देंगे, चेक करेंगे। इसमें अभी हम ज़ीरा ऐड कर देंगे, अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे घी में। अभी हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। इसमें हमने 1 चक्रीफूल और 2 इलायची ली हैं। आप अपने अंदाज से या अपने पसंद से और मसाले इसमें ऐड कर सकते हैं। चक्रीफूल डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। घी में इसे अच्छे से हम भून लेंगे। देखिए इस तरह से इसे हल्का हल्का हमें भूनना है। हल्दी पाउडर डालेंगे इसमें। अभी लाल मिर्च पाउडर हम इसमें डाल देंगे। लाल मिर्च पाउडर आप कम या ज़्यादा डाल सकते हैं अपने अंदाज से। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे घी में। अभी हम इसमें डालेंगे ये पेस्ट जो हमने बना कर रखा था मगज बीज वाला, वो पेस्ट हम डाल देंगे। इसे भी हम थोड़ा सा भून लेंगे अच्छे से। अभी हम इसमें डालेंगे प्याज की प्योरी, इसे भी हमें अच्छे से मिक्स कर देना है और इसे अच्छे से पकाना है हमें, ताकि इसका कच्चापन जो है वो निकल जाए। अभी हम इसमें ऐड करेंगे टोमेटो प्यूरी। टोमेटो प्यूरी डाल के भी हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसे हमें अच्छे से पकाना है, और ताकि इसका जो कच्चापन है वो निकल जाए और हमारी सब्ज़ी एकदम टेस्टी बने। इसे अभी हम ढककर 2 मिनट के लिए पका लेंगे। अभी हमारे 2 मिनट हो चुके हैं। देखिए ये जो पेस्ट है हमारा, ये जो ग्रेवी है, ये अभी थोड़ी सी पक चुकी है। अभी हम इसमें बाकी मसाले ऐड करेंगे। नमक ऐड करेंगे सबसे पहले। अभी इसे भी मिक्स कर देंगे अच्छे से। अभी हम इसमें गरम मसाला ऐड कर देंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी सब्ज़ी में। गैस की फ्लेम को भी हमने थोड़ा कम कर दिया है। अभी इसमें हम कसूरी मेथी डालेंगे। इसे हमने हाथ से थोड़ा सा क्रश करके डाला है कसूरी मेथी को, इसकी भी एक अलग ही खुशबू आती है सब्ज़ी में। अभी हम इसमें फ्रेश क्रीम डालेंगे, 3 से 4 चम्मच हमें फ्रेश क्रीम डालना है। फ्रेश क्रीम डालने से हमारी सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है और वो रेस्टोरेंट स्टाइल वाला टेस्ट इसमें आता है। आप इसकी जगह बटर भी डाल सकते हैं। इसे भी अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। देखिए मिक्स हो चुका है अच्छे से। इसमें अभी हमें काजू ऐड करना है। काजू डालने के बाद इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, देखिए इस तरह से। और इसे अभी हम थोड़ी देर ऐसे ही चलाएंगे। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे।
हरा धनिया डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। अभी हम इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल देंगे, इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। धनिया पाउडर से भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अभी हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। पानी अभी मैं पहले एक कप डाल रही हूँ, हम डालकर देखेंगे एक कप पानी सफिशिएंट है या फिर और पानी डालने की ज़रूरत है। ये ग्रेवी की कंसिस्टेंसी हमें बहुत थिक लग रही है, थोड़ा आधा कप पानी हमने और डाल दिया है। टोटल हमने इसमें डेढ़ कप पानी डाला है। आप अगर ज़्यादा थिक सब्ज़ी पसंद करते हैं तो एक कप ही डालिए। अभी हम इसे ढककर 5 से 7 मिनट के लिए पकने देंगे। देखिए अभी 5 से 7 मिनट हमारे हो चुके हैं, ये हमारी ग्रेवी बहुत अच्छे से पक चुकी है। किनारों से देखिए तेल छोड़ने लगी है, इसका कलर भी बहुत सुंदर आया है। ये लाइट की वजह से आपको कलर इसका दिख नहीं रहा होगा अच्छा, मैं आपको फिर लाइट ऑफ करके इसका कलर भी दिखाऊंगी। फिर से इसमें अभी हम थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। अभी हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे। इसमें क्रीम डालने से भी ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। इस तरह से हमें इसमें फ्रेश क्रीम डाल देना है, 2 से 3 चम्मच हम इसमें फ्रेश क्रीम डालेंगे। अभी देखिए इसका कलर देखिए आप कितना सुंदर आया है, टेस्ट भी बहुत अच्छी आई है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। देखिए एकदम होटल जैसी सब्ज़ी बनी है। देखिए लाइट ऑफ करके ये सब्ज़ी ऐसे दिख रही है एकदम बहुत सुंदर कलर की। इसे अभी हम सर्विंग बोल में ट्रांसफ़र करेंगे और इसे गार्निश करेंगे। हम इसे थोड़ा सा इस पर हरा धनिया डाल देंगे। हरा धनिया से भी देखिए बहुत सुंदर दिखता है ये। इस पर अभी हम थोड़ी सी फ्रेश क्रीम डाल देंगे। क्रीम डालने से इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा और बहुत सुंदर भी दिखता है ये। देखिए इस तरह से डाल देंगे हम। अभी हम इस पर काजू लगाएंगे। देखिए बहुत सुंदर हमारी काजू करी बनकर तैयार हो गई है, एकदम स्वादिष्ट टेस्टी और रेस्टोरेंट स्टाइल वाली काजू करी बनकर रेडी है। इसे बनाने के लिए हमें बहुत कम समय लगा है और बहुत सारी चीज़ें भी हमने इसमें यूज़ नहीं की हैं। एकदम स्वादिष्ट काजू करी बनकर रेडी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, एंजॉय कीजिए इस रेसिपी को। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साथ में जो घंटी का निशान दिया है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियोज़ की जानकारी सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ फिर मिलते हैं। नमस्ते।